घंटी का बटन दबाकर नेशनल लीडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। हम लोग ऐसे बगैर लाइट लाइट है ना, बिजली है ना, पानी है ना, किसी प्रकार का कोई बुनियादी सुविधा है ही नहीं। है तो बहुत बढ़िया लग रहा है, पर सरकार से दुखी है। बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, सिर्फ ये है जुमला और कुछ नहीं है। आपके लिए इस बार मुद्दे क्या है वोट डालने? मुद्दे है कि मोदी जी हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, आज आपने वोट डाला है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लगा, बहुत सुंदर लगा, लोकतंत्र की व्यवस्था जो बहुत इधर उधर उधर देख इधर। अच्छा, आप जो नई सरकार जो बनेगी उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं? अपने सरकार से नई नई सरकार से यही है कि देश की सुरक्षा और देश प्रगति पर हो, ऐसी सरकार चाहिए जो सबको सम्मान दे सके और उनका सम्मान कर सके। अच्छा, इस बार काफ़ी गर्मी है, ये वोट प्रतिशत घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा, जोश है सभी में, सब में जोश है, बढ़ेगा, जोश है, इस जोश को कोई भी मतलब कम नहीं कर सकता। जो उत्साह देखने को बन रहा है हर किसी मतदाता में, चाहे गर्मी हो, ये गर्मी नहीं देख पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसके स्तर जो ग्राफ है हर साल की अपेक्षा अब की बार जो है ग्राफ बढ़ा है। आपके चुनाव के जो इस बार किन मुद्दों पर आपने वोट दिया है इस बार? दादा, हम चाहते हैं कि देखो देश हित में हो सारे काम जो है, जो उनका पार्टी का भी जो मैनिफेस्टो है उसके अनुसार जो है अपना प्रॉपर काम करें, और अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, जो जो उनकी योजनाएं हैं वो हर गरीब जो निम्न तबके है वहाँ तक ही पहुँचे, मैं तो यही गुजारिश करता हूँ। अच्छा, आप गौतम बुद्ध नगर में हैं, यहाँ पे जो कितना विकास हुआ है 5 साल के दौरान, और अभी आप क्या चाहते हैं नई सरकार से? नहीं, काफ़ी विकास हुआ है, जितने प्रोजेक्ट नोएडा में चले हैं मेरे ख्याल से कहीं और नहीं चले हैं। मैं कह रहा हूं जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उससे लोगों के अंदर एक जोश, एक डिटर्मिनेशन आया है, बेहतर है, बहुत अच्छा है, चुनावी माहौल है, लोग जो है निकल रहे हैं वोट करने के लिए। अच्छा, आप सरकार कैसी सरकार चाहते हैं आप? सरकार जो भी हो एक जनता को फ़ायदा होना चाहिए, युवाओं को फ़ायदा भी होना चाहिए, किसानों को भी फ़ायदा हो। अच्छा, करीब 5 साल हो गए हैं मोदी सरकार को, किस सरकार से आपको क्या सुविधाएं मिली हैं आज तक? हमें तो कोई सुविधा नहीं मिली। नरेंद्र मोदी ने 2014 में कहा था कि हम लोगों के अच्छे दिन लाएंगे, आपके कितने अच्छे दिन आए हैं अभी तक? एक भी नहीं। आपके अच्छे दिन नहीं आए, लेकिन बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं हम, सिर्फ ये है जुमला और कुछ नहीं है। असल नोटबंदी और जीएसटी से कितना फायदा हुआ देश को, आप बताइए? देश का कोई फायदा नहीं, गरीब जनता का बहुत बड़ा नुकसान है, लोग लाइनों में लगे रहे, कुछ लोग मरे भी। तो जो जीएसटी और नोटबंदी लागू की गई थी उसका वोट जो प्रतिशत है उस पर कुछ असर पड़ेगा इस बार? पड़ेगा। तो चुनाव में इस बार क्या कैसा आपको लग रहा है, वोट बढ़ेगा प्रतिशत या घटेगा? नहीं, इस बार मोदी जी का वोट बढ़ेगा, क्योंकि मोदी जी के इसलिए वोट मिलेगा कि मोदी जी का गुडविल अच्छी है और उन्होंने आज देश के लिए बहुत कुछ किया, इसलिए मोदी। अच्छा, इस बार चुनावी मुद्दा क्या है आपका? चुनावी मुद्दा इस बार हिंदू की लड़ाई है। सरकार ने तो कहा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे लोगों को, कुछ नहीं लाएंगे। दुखी कैसे हैं आप? दुखी नहीं, कैसे ही हैं, जब राशन कार्ड पे चार के नाम से दो कोई कट गए, दो रहेंगे। तो आपको मतलब जो नाम किसके कम कर दिए? बच्चे के नाम कम कर दिए। अच्छा, ऐसा किसने कर दिया, क्यों ऐसा? अब सरकार ने ही किया है और कौन करेगा। अच्छा, चुनाव हो रहे हैं, नई सरकार का गठन होगा कुछ दिनों के बाद, आप कैसी सरकार चाहते हैं? बढ़िया सरकार चाहते हैं, जिसको वोट दिए वो देख लेना। अच्छा, 5 साल हो गए हैं करीब मोदी सरकार को, और इस सरकार में आपको कितना फायदा मिला? तो जीरो बैलेंस के खाता खुलाए थे, उसमें कहीं बताए 15 लाख आएंगे, अभी 1 रुपये नहीं आए। आप कैसी सरकार की उम्मीद करते हैं? आप जो पहले चल रहे थे वो चलेगी। अच्छा, आज आप वोट डाल के आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? आप अच्छा लग रहा है। कैसी सरकार आपको चाहिए? सरकार अच्छी चाहिए, सरकार जो काम करे वो अच्छा ही करे। अच्छा, आपने कितनी बार वोट डाल दिया अभी तक? मैंने पहली बार डाला। कैसा लग रहा है आज आपको वोट डाल करके? अच्छा, जो ये वोट डाल रहे हैं आप क्या चाहते हैं सरकार से, जो नई सरकार बनेगी उससे क्या चाहते हैं आप? सरकार बस देश के लिए, देश तरक्की करे अपना। अच्छा, अपना देश तरक्की करे अपना, और क्या चाहिए?
जो है सरकार वही रहनी चाहिए। मोदी जी ने गरीबों के लिए इतना विकास किया है, जितनी योजना निकली है वो गरीबों के लिए निकली है। उसके बाद रहा बिजली का मामला, तो जहाँ तक कुश्ती पार कॉलोनी की बात है वहाँ पे मंजूर हो चुकी है लाइट, लेकिन अभी कुछ फंड की वजह से नहीं हो पाया है। वो उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर मिले हैं, उसके बाद शौचालय हर जगह शौचालय, लेकिन जो सिलेंडर दिए गए हैं वो सिर्फ एक बार दिए गए हैं, वो लोग भरवा नहीं पाए हैं। वो इतनी महंगी गैस कर दी गई है, बराबर चल रही है, बराबर उनकी सब्सिडी। सिलेंडर 2014 में कितने का आता था? गरीब आदमी 750 का सिलेंडर कैसे ले पाएगा? हर साल और हर मतलब सरकार में बढ़ता चला, लेकिन इस सरकार ने इतना तो गरीबों के लिए करा कि फ्री में जो है कनेक्शन मिले, वरना पहले कांग्रेस की सरकार थी 5,000 में कनेक्शन मिलते थे और 2-2 महीने उसमें लगते थे। आपको पता होना चाहिए बिजली कितनी महंगी होगी उत्तर प्रदेश में। देखो, अगर हमें ये लगता है कि हमें फायदा मिल रहा है तो फायदे में थोड़ा सा हमको सहना भी पड़ेगा। लेकिन जो बिजली सहना कब तक सर? 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, कब तक सहेंगे? अंधेरे में कब तक रहे सर? 15 साल हो गए, ₹400 पहले, 1400 पहले, और मिलता है करीब 750-800 का, बल्कि 1000 पहुँचा था, घट गया थोड़ा सा। और रही बात कनेक्शन की, जितना कनेक्शन वो ले लिया ना वो भरना दोबारा से, पर खटंग ऐसे ही खाली। और रही बात ये क्या नाम उसका, उसकी क्या नाम उसका शौचालय की, हमारे गांव में करीब हैं 3500 लोग, अब बने 3 या 4, समझा जी? वही मुँह देख कर बने। तो लोग बाहर जाते हैं सोच के लिए? बिल्कुल जाते हैं जी, क्या तो अपना निजी उनके या फिर बाहर जाएंगे, मजबूरी है लोगों की। सर, प्रत्यक्ष के लिए कोई प्रमाण की जरूरत होता है? आप कैमरा लेकर चलो हमारे गांव में, अगर कुछ है तो दिखाओ अपने कैमरे पे। कुछ भी नहीं है वहाँ। आप लोग भी बस ये पक्की सड़कों पर कैमरा लेकर खड़े हो जाते हो, वहाँ गांव में तो चलो, वहाँ तो चल के दिखाओ। ये जितने मीडिया वाले हैं ना, वो पक्की सड़कों में जहाँ पहले ही सरकार सब कुछ कर रखा है उसकी पूरा रिपोर्ट दिखाते हैं कि देखो जी ये विकास हो गया, वो विकास हो गया, भूमि पर तो कोई पहुंचता ही नहीं, जमीन पर कोई पहुंचता ही नहीं। साहब ने पत्थर बाकी लगाया हमारे यहाँ विकास का, कोई नहीं पहुंचता, सब लोग पीके पड़े हैं। दिखा रखता है पत्थर लगा के, और साहब ने ये करा हमारे यहाँ तो ककराला में दिखाई है 42/3D सड़क, कुछ भी नहीं है वहाँ, तो सब खाली पड़ा है। नहीं, 5 साल सरकार करीब हो गए हैं मोदी सरकार को, और वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। उन्होंने शौचालय बनवाने की बात भी कही है, गरीबों को मुफ्त बिजली कनेक्शन भी दिए हैं, और वो दिए हैं गैस कनेक्शन। आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ? कुछ भी नहीं, हमारे यहाँ पे एक भी गैस कनेक्शन नहीं है हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ पे एक भी कनेक्शन नहीं है। और जो हमारे यहाँ पे कॉलोनी है आज तक उसमें बिजली नहीं है। यहाँ डूब क्षेत्र देखे सर, कम से कम वहाँ 50,000 घर बने हुए हैं, वो देखे ना, उसके चक्कर में लाइट देना सर। अच्छा, आप जो है आज वोट डाल करके आए हैं, कैसी सरकार चाहते हैं आप? सरकार यही चाहते हैं कि हमारी सरकार सुने, गरीबों की सुने, बढ़िया सरकार चाहते हैं, और इनसे चाहते ही क्या है।